डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने दीपावली पर दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर दखल करने से इनकार कर दिया है। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग करने वाली याचिका भी खारिज कर दी है। जिस देश में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग प्रदूषण जनित कारणों से मौत के मुँह में चले जाते हैं, जहाँ की श्वास संबंधी रोगों से मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा है और जहाँ जन्म लेने वाले 50% से ज्यादा बच्चे फेफड़ों पर कभी ठीक न होने वाला आघात झेलते हैं, वहाँ प्रदूषण की चिंता करना बहुत आवश्यक है। प्रदूषण का दंश हर व्यक्ति कभी न कभी महसूस करता ही है। दिल्ली के लोग तो प्रदूषण की भयावहता से भली भांति परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय का एक भाग दिल्ली से भी जुड़ा है, जहां सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। दिल्ली सरकार के फैसले का भाजपा ने विरोध किया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को उनका त्योहार अच्छे से मनाने नहीं देना चाहते हैं। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में धर्म और त्योहारों को बाधक नहीं बनाया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति पर हर उस कदम का विरोध करती है जो किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी हालत में यदि पटाखे जानलेवा साबित हो रहे हैं तो इन पर प्रतिबंध का समर्थन ही किया जाना चाहिए। प्रतिबंध हटवाने के लिए न्यायालय में गए पटाखा निर्माताओं से इस नाते संवेदना जताई जा सकती है कि हजारों करोड़ का उनका कारोबार और इससे जुड़े लाखों श्रमिकों की आजीविका इससे प्रभावित हो रही है। लेकिन उन्हें भी यह समझना चाहिए कि यह जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। किसी भी कीमत पर ऐसा कारोबार करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। तो जनता की जान का दुश्मन हो, समय, जरूरत और प्राथमिकताओं के साथ कई कारोबारों का स्वरूप बदलना पड़ता है। कुछ समझबूझ और जिम्मेदारी आम लोगों को भी प्रदर्शित करनी होगी। त्योहार खुशियां बटोरने और बांटने का माध्यम होते हैं। दीपावली के अवसर पर पटाखे चलाने से बढ़ने वाले प्रदूषण से लोगों की जान संकट में पड़ रही है, तो इससे बचना ही बेहतर है। ऐसी आतिशबाजी से खुद को दूर रखने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी।
जनता खुद ही पटाखों से दूरी बना लेगी तो मांग समाप्त होने से इनका उत्पादन अपने आप ही बंद हो जाएगा। त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन प्रदूषण न फैलाएं। समाप्त। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आत्मस्वामी पर डाल रखा है।